मैं अपने लिए अपने पोते के लिए भी मांगता हूँ। क्या बेटा क्या किया तूने? चाचा को दिखता नहीं। मैं बाबा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं बाबा को उनके फैमिली से जरूर मिलाऊंगा। पानी।
माफ़ कर दो पिताजी, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, तो घर चलो। हाँ पिताजी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको ये दिन देखने पड़े। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा मत बोलो बेटा, जिसके नसीब में जो लिखा वही होता है, किसी के करने या ना करने से कुछ नहीं होता। पिताजी घर चल जाए, माफ़ कर दीजिए। आप यहाँ पे? मैंने कहा था पिताजी दो तीन बाद आएंगे, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कोई बैंक से नहीं आया। फिर पैसों के लिए कभी भी अपने को दूर नहीं करना चाहिए। पैसे क्या चीज़ है आज एक करने पर, माता पिता तो हमेशा हमारे साथ रहते। हाँ भाई, आज तुम अगर घर नहीं आए होते तो मुझे मेरे पिताजी नहीं मिलते, मुझे अफसोस है। अच्छा हुआ तुमने मेरी आँखें खोली। मैं नहीं जानता भाई कि आपका एहसान कैसे चुका होगा। बेटा मैं एहसान कैसे चुका हूँ, बहुत बड़ा एहसान। बाबा इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अब आप घर जाइए, अपने पोते को अच्छे से पढ़ाइए और उसको एक अच्छा इंसान बनाइए। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ। ठीक है, इंसान से गलती होती है। अगर आपको मेरी प्लानिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। Yeah.